बिसम रहीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक एग्जांपल है जो कि हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है और विदाउट रिप्लेसमेंट की आपके पास एग्जाम्पल है मैंने क्वेश्चन इस साइड पे लिख दिए और ये मैंने पॉपुलेशन लिख दी है जो आपको गिवन है अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि क्वेश्चन में हमने क्या करना है हमसे क्या रिक्वायरमेंट अगर की जाए तो पेपर में आपने ऐसे सॉल्व करना container, है एज्यूम पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ सेवन सिमिलर कंटेनर्स हैविंग द फॉलोइंग किलोमीटर्स ठीक है ये वेट्स गिवन है सेवन वेट्स आपके गिवन है नाइन पॉइंट एट टू टेन पॉइंट फोर नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट सिक्स डेट आर द सेवन वेट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब हमने फर्स्ट कहते हैं फ़ाइन करने हैं म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली आप फाइन कर सकते हो क्योंकि आप पहले पार्ट वन में पढ़ चुके हो कि आपने म्यू कैसे फ़ाइन करने और सिग्मा कैसे फ़ाइन करने सेकेंडली आपको कहते हैं कि ड्रॉ ड्रॉ रेंडम विदाउट रिप्लेसमेंट कैलकुलेट द मीन वेट अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट क्या है विद विद रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मैं साथ मेथड भी आपको विद वैसे बेसिकली अगर एक बैग है आप बॉल्स निकाल रहे हो और वही बॉल आप दोबारा उसमें प्लेस करते जा रहे हो तो वो विद रिप्लेसमेंट है वही दोबारा चीजें रिपीट हो सकती हैं बट विद आउट रिप्लेसमेंट में आपने जो चीज़ बैग से निकाल ली है बॉल्स वो आप दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते तो वो आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाता है उसका मैथड क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन भी करेंगे कि विद रिप्लेसमेंट में आप कैसे करते हो फिर आपने कैलकुलेट करना है मीन वेट एक्स बार फिर आपने एक्स बार का मीन वेट फाइंड करना है जो कि मैंने लिखा है साम्पल मीन वेट आपने फाइंड करना है फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्स ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि फाइन मीन एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिवेशन ऑफ साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार तो हमने ये भी फाइन करना है अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पहले तो हम आ, देखेंगे कि हमारे साम्पल्स क्या बनेंगे क्या नहीं ये जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपको साथ ही साथ करा दूँगी लेकिन पहले मैं आपको साम्पल्स बनाना सिखाती हूँ क्योंकि ये आप पार्ट वन में भी, भी कर चुके हैं इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी अच्छा स्टूडेंट आपने विदाउट आप रिप्लेसमेंट है तो आपके पास कहेंगे सेवन अगर कंटेनर है और आपने टू कंटेनर को सिलेक्ट करना है तो ये टोटल जो सैंपल स्पेस बनेंगे ट्वेंटी वन तो मुझे ये जो पता चला है कि मैंने कितनी Uh, कितने मैंने बनाने हैं सैंपल कम्बिनेशन जो मेरे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे तो वो मुझे इस तरीके से पता चलेगा विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए मैं कर रही हूँ ठीक है और इसमें मैंने क्या लिखा है सेवन टोटल है एंड टू उन्होंने कहा था टू कंटेनर आपने विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है तो वो हमारे पास ट्वेंटी वन आया तो ये मैंने लिख दी नंबरिंग लिख दी है मेरे पास जो सैंपल कम्बिनेशन जो बनेंगे वो मेरे पास ट्वेंटी वन बनेंगे वो क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये मैंने सो so ऑन जो नंबरिंग किया ट्वेंटी वन तक नंबरिंग कर ली स्टूडेंट इसका मेथड क्या है देखिए वैसे आपके पास जरा डिफिकल्ट हो जाता है ये मेथड कि आपने कैसे सॉल्व करना तो मैं इसका आपको इजी सा मेथड बताती हूं कि आपने क्या करना है कि जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू है नाइन पॉइंट एट ठीक है उसको आपने लिखना है ठीक है हमने एक वैल्यू को निकाल देना है ठीक है सेवन है ना एक निकालेंगे सिक्स रह जाएंगे तो आप इसको लिखें सिक्स टाइम नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट 9.8 आपने सिक्स टाइम इसको ऐसे लिख डालना है ठीक है सेवन है ना तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है दोबारा हम उस बॉल को रिप्लेस नहीं करेंगे उस वेट को रिप्लेस नहीं करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 10.2 अब देखिए हमारे पास पहले हमने सिक्स टाइम किया अब हमारे पास सिक्स वाला नंबर भी निकल गया अब हमारे पास कितने रह गए फाइव तो टेन को आप फाइव टाइम लिखें टेन पॉइंट ये फाइव टाइम अब आपने लिखना है एक एक डिजिट कम करते जाने ये मैंने फाइव टाइम लिख दिया अब आपके पास क्या होगा कि हमने फ़ाइव के बाद कितने डिजिट आते हैं अगर एक और निकाल दो तो आपके पास रह जाएंगे फोर डिजिट तो हमने टेन पॉइंट फोर को फोर टाइम लिखना है टेन पॉइंट फोर टेन पॉइंट फोर टेन पॉइंट फोर टेन पॉइंट फोर ये हमने कितनी बार लिख दी है फोर टाइम लिख दिया अब हमने थ्री टाइम लिखना है नेक्स्ट वैल्यूज़ को क्योंकि उसको हमने निकाल दिया तो नाइन पॉइंट एट है तो ये थ्री टाइम मैं लिख रही हूँ नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट एंड नाइन पॉइंट एट फिर मेरे पास नेक्स्ट क्या है अब मैंने टू टाइम लिखना है क्योंकि मेरे पास टेन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा टेन पॉइंट जीरो टेन पॉइंट जीरो ठीक है नेक्स्ट अगर फिर मैं इसको भी निकाल दूँ तो मुझे वन टाइम लिखना है वो है टेन पॉइंट टू तो ये तो मेरे पास एक साइड वाले जो साम्पल कम्बिनेशन मैंने बनाने थे एक्स वन के एक्स वन एंड एक्स टू के वो मैंने बना ली एक्स वन के लिए अब एक्स टू के लिए स्टूडेंट आपने क्या करने हैं कि हमने देखे हम पढ़े हैं विदाउट रिप्लेसमेंट ठीक है कि जो बॉल हमने निकाल दी उसको जो वेट हमने निकाल दी उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करना पहले वाले को अगर मैं निकाल दूं तो नेक्स्ट मेरे पास क्या है टेन पॉइंट टू आ जाता है फिर टेन पॉइंट फोर आ जाएगा नाइन पॉइंट एट आ जाएगा टेन पॉइंट ज़ीरो आ जाएगा टेन पॉइंट टू आ जाएगा एंड नाइन पॉइंट सिक्स आ गया <coughs> इसी तरह अब मैंने निकाल दिया है टेन पॉइंट टू को ठीक है अब मैंने टेन पॉइंट टू को निकाल दिया नेक्स्ट मैं क्या लिखूँगी टेन पॉइंट फोर नाइन पॉइंट एट टेन पॉइंट ज़ीरो टेन पॉइंट टू नाइन पॉइंट सिक्स नाइन पॉइंट सिक्स आ गया मेरे पास ठीक है लास्ट वन अब फिर मैंने क्या किया अब मैंने दो डिजिट्स निकाल दिए जब दो डिजिट्स निकाल दूँगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा मेरे पास आ जाएगा जी नाइन पॉइंट एट फिर टेन पॉइंट ज़ीरो यही यार है फिर टेन पॉइंट टू एंड नाइन पॉइंट सिक्स फिर मैंने क्या करना है थर्ड वाले को भी निकाल देना अब मेरे पास क्या रह जाएगा टेन पॉइंट ज़ीरो टेन पॉइंट टू एंड नाइन पॉइंट सिक्स फिर मैंने नेक्स्ट वाले को निकाल दिया अब मेरे पास क्या रह गया टेन पॉइंट टू नाइन पॉइंट सिक्स देन इसको भी निकाल दूँ तो मेरे पास क्या रहेगा नाइन पॉइंट सिक्स ऐसे सैंपल बने ये मैं अगेन आपको मैथड बताती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया है देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या थे कि आपने साम्पल पॉइंट फाइंड करने थे कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपने किया सेवन टू इज इक्व टू ट्वेंटी वन वो तो आपको निकालने आगे विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए अब विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आपने एक वैल्यू पुट कर दी है आपने उसे दोबारा रिप्लेस नहीं करना है दोबारा डालना नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्ज़ाम्पल दे रही थी कि अगर एक बैग है उसमें बॉल्स हैं आपने एक बॉल निकाली है वाइट वाली आप उस वाइट वाली बॉल को दोबारा उन बॉल्स में मिक्स नहीं करोगे ठीक है आप उसको बाहर ही रहने दोगे उसको ड्रॉ कर दोगे निकाल दोगे ड्रॉप कर दोगे इसी તેના આપકે જો યે વેટ્સ ગિવન થે કિલોમીટર્સ મે ગિવન થે આપને ક્યા કિયા ઇનમે ક્યા આપકો 9.8 લીયા તો એક વેલ્યુ આપણે નિકાલ દી તો 6 ટાઈમ એસકો લખા ફિર નેક્સ્ટ વેલ્યુ કો આપણે 5 ટાઈમ લીખા ફિર ઉસે નેક્સ્ટ વેલ્યુસ કો 4 ટાઈમ લીખા ઉસસે નેક્સ્ટ વેલ્યુ કો 3 ટાઈમ લીખા ફિર 2 ટાઈમ ઓર 1 ટાઈમ આ ગયા ઠીક હે અ નેક્સ્ટ જો આપકે પાસ એક્સ સંબલ કોમ્બિનેશન જો આપ સેકન્ડ કા બનાતે હો વો આપકે પાસ ક્યા હોતે હે कि आपने एक डिजिट को निकाल दिया बाकी को लिख दो 10.2, 10.4 ये सारे हमने लिख दिए फिर नेक्स्ट को निकाल के फिर अगलों को लिख दो फिर इसको निकालोगे तो ड्रॉप कर दोगे तो अगले लिखोगे इसको ड्रॉप करोगे तो नेक्स्ट लिखोगे इसको ड्रॉप करोगे तो नेक्स्ट आ देंगे इसको ड्रॉप करोगे तो ये आ देंगे इस तरह इस तरीके से हमने ये साम्पल पॉइंट जो हैं लिख दिए इसमें आपके क्या है कि जो आपने पहला डिजिट निकाल दिया है वेट निकाल दिया वो आप दोबारा रिप्लेस नहीं करोगे तो ये हमारे पास होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के जो आप कम

इसी तरह नेक्स्ट आएगा टेन पॉइंट वन नाइन पॉइंट एट देन नाइन पॉइंट नाइन टेन पॉइंट जीरो आपने कैलकुलेटर लेके सॉल्व करना है दो वैल्यूज को प्लस करना है डिवाइडेड बाय टू कर देना है तो आपके पास ये जो आपको फाइन करने के लिए कहा गया है मीन ये आपके पास गिवन हो जाएगा मैं आपको लिख देती हूँ ताकि आप लोग फिर ख़ुद कैलकुलेट करें और इसको ये जब तक स्टूडेंट आप चार से पाँच मरतबा मुख्तलिफ़ साम्पल्स ले कर साम्पल पॉइंट विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएंगे विद रिप्लेसमेंट ज़्यादा ईजी है विदाउट रिप्लेसमेंट में ज़रा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस वजह से आपने अच्छे तरीके से इसको फोकस करके जो है बनाना है और इसके लिए आपने ट्राई करना है वर्क करना हैं अच्छा स्टूडेंट ये हमारे पास आगे सैम्पल मीन अब देखें जो अब नेक्स्ट हमारे पास काम आ जाता है अब उन्होंने कहा है कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड ऑफ साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एक्स बार अच्छा ये चीज़ बहुत आ रही होती है एग्ज़ाम्स में क्या आपने फाइंड करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिवियशन अब मीन एंड स्टैंडर्ड डिशन फाइंड करना तो बड़ा आसान है बट फॉर द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार वो मुश्किल है एक्स बार हमारे पास क्या था मीन वेट एक्स बार है ठीक है अब देखें स्टूडेंट इसमें सबसे हमने वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज़ लेंगे फ्रीक्वेंसीज लेंगे कि कितनी बार इस डेटा में आकर हुई है देखिए वो हमारे पास नाइन पॉइंट सेवन है नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट नाइन टेन टेन पॉइंट वन ये इन्हीं से लिए इसकी जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती ना वो हमारे पास ये थी ठीक है उससे फिर आ, नेक्स्ट क्या थी नाइन पॉइंट एट थी फिर नाइन पॉइंट नाइन हमारे पास आ जाता है टेन आ जाता है टोटल फिर 10.1 आ जाता है 10.2 आ जाता है 10.3 आ जाता है ये टोटल वैल्यूज़ हैं जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं अब प्रोबिलिटीज़ क्या होती हैं या फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं कि 9.7 आपके पास डेटा में कितनी बार अकर हुआ है तो वो मैं आपको बताती हूँ कितनी बार एक बार तो ये अकर हुआ है सेकेंड आप यहाँ से चेक करो ये ये सेकेंड टाइम थर्ड टाइम हुआ है? नहीं नहीं हुआ आपके पास जो प्रोबिलिटी बनेगी वो आपके पास आएगी टू बाई ट्वेंटी वन इसी तरह 9.8 आपके पास कितनी बार अकर हुआ वो आप देखें एक तो ये आपके पास नाइन पॉइंट एक ये है इसके अलावा आप देख लें कहीं भी 9.8 पॉइंट नहीं हुआ तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बाई ट्वेंटी है इसी तरह नेक्स्ट आपने सारे चेक करनी है तो इसकी 4 बाय ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ 5 बाई ट्वेंटी आ जाएगा 4 बाय ट्वेंटी आ जाएगा टू बाई ट्वेंटी एंड टू बाई ट्वेंटी वन आप इसे जब ऐड करोगे तो ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी वन इज़ इक्व टू वन और हमने जो पार्ट वन में पढ़ा था कि जो हमारे पास प्रोबिलिटीज़ हैं या फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो हमारे पास वन की इक्वल आती हैं तो वो चीज़ जो है प्रूफ तो होगी ठीक होगी ठीक अब देखिए स्टूडेंट हमने फाइन करना है मीन मीन आपके पास क्या होता है एक्स बार एंड फ्रिक्वेंसीज होती हैं ठीक है कि एक्स बार एक्स या फ्रिक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई करते हो डिवाइडेड बाई फ्रिक्वेंसी करते हो तो आपके पास मीन आ जाता है तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करती जाती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स ट्वेंटी वन दैन थर्टी नाइन पॉइंट सिक्स एंड ट्वेंटी वन फिफ्टी पॉइंट जीरो ट्वेंटी वन देन हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्टी पॉइंट फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी पॉइंट फोर ट्वेंटी वन एंड देन नेक्स्ट ट्वेंटी पॉइंट सिक्स एंड ट्वेंटी वन तो टोटल जो मेरे पास सम आ जाएगा वो टेन पॉइंट जीरो आ जाएगा अब अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट कि मेरे पास आ, जो मुझे गिवन है वो अगर मैंने मीन फाइंड करना है ये मैं अब सैम्पलिंग रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया तो मैं आपको साथ साथ समझाऊँ कि हमने यहाँ से क्या वर्क करना है और कैसे हमने इसको डिस्क्राइब करना है अच्छा स्टूडेंट हमने मीन तो फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास जी मीन आ गया है समेशन ऑफ एक्स बार एंड एफ़ एक्स बार आपके पास यही होता तो वो हमारे पास क्या था टेन पॉइंट ज़ीरो के जी आ गया ठीक है अब आपने फाइंड करना है म्यू ठीक है कि म्यू बार हमारे पास क्या है जब हम म्यू बार में से माइनस करोगे एक्स बार को ठीक है आपके पास जो म्यू बार है उसमें से आप माइनस कर रहे हो एक्स बार को तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास आएंगी माइनस जीरो पॉइंट थ्री माइनस ज़ीरो पॉइंट टू और ये आप फाइंड करने के लिए कर रहे हो फॉर द वेरियंस के लिए ज़ीरो पॉइंट वन 0.2, पॉइंट टू ज़ीरो पॉइंट थ्री इसी तरह आपने इसका स्क्वायर लेते जाना है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो नाइन एंड फिर आपने स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को और फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी ज़ीरो पॉइंट वन एट ट्वेंटी वन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट ट्वेंटी वन ज़ीरो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है और फिर देखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास जो इक्वल आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट सिक्स एंड ट्वेंटी वन तमाम कैलकुलेशन करने के बाद तो हमारे पास जो सिग्मा उन्होंने कहा है आपने फाइन करना है स्टैंडर्ड डिविशन उसका फार्मूला आपके पास होगा जी मिशन ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार एफ एक्स अब ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ हमारे पास गिवन है जब आप इसको सम करोगे इसका आंसर लोगे तो आपके पास क्या चीज़ आएगी ज़ीरो पॉइंट सिक्स एंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन तो वो आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट वन सेवन के जी तो ये आपके पास हो जाता है सॉल्व जहां आपसे पूछा गया कि फ़ाइन मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपने साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन वेट फाइंड किया था वहीं से आपने ली हैं अपनी प्रोबेबिलिटीज भी फाइंड कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि जितनी बार वो अक्र हो रहा है टैली की तरह जिन्हें टैली मार्क्स हम करते थे तो उतनी बार आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख देनी है मीन फाइंड करने का फार्मूला इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास जो वेरियंस फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविशन फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविजन के ऊपर अंडर रूट होता है पॉजिटिव तो आपने इस तरीके से फाइंड करना है तो ये चीज़ वैल्यू हमने लेके सिंपली इसको सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपके पास था कि सिंपल विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसे कैसे सॉल्व करना है इनशाला नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि विद रिप्लेसमेंट हमने अगर सॉल्व करना पड़ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमने साम्पल कम्बिनेशन हमने कैसे बनानी है विद रिप्लेसमेंट के लिए और उसमें अगर हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविशन फाइंड करना पड़ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी और फिर मैं एफ़ पी सी जो है आपके पास फैक्टर कुरेक्शन जो आपके पास आ जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी आपने ये सैम्पल कम्बिनीशन जो है ये बार बार ट्राई करने हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़